राशि, अभी मुझे काका ने बताया कि तुम्हारी चूड़ी खो गई है। हाँ, वो मैं उसे ही ढूंढ रही थी। वो क्या है ना, मम्मी ने मुझे एक सोने की चूड़ी दी थी, मैं उसे हमेशा पहन के रखती हूँ, बस पता नहीं कहाँ गुम हो गई, उसे ही ढूंढ रही हूँ। जिगर जी, मैं ढूंढ के खुद अंदर आ जाऊंगी, आप जाके सो जाइए। देखिए, वैसे भी मुझे आज रात भर जाके नानी जी के संदूक की निगरानी करनी है। ऐसे कैसे चला जाऊं? चलो साथ में मिलकर चूड़ी ढूंढते हैं। नहीं नहीं, क्या बात है राशि, क्यों करती हो ऐसा? क्यों तुम अपने पति को अपने आप से दूर रखना चाहती हो? नहीं, वो मुझे तो अपना पति धर्म निभाने दो। चलो मिलकर ढूंढते हैं। अब मैं इस माला से जप शुरू करती हूँ। गोपी बहू, तुम्हारा यह उपहार मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। जितनी देर तक हाथ में रहेगा ना, इसके एक एक दाने के साथ आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। माँ, आपको मेरी गोपी बहू का दिया हुआ तोहफा पसंद आया, बस ये जानकर मेरे मन को संतुष्टि हो गई। गोपी बहू, तेरी सास को तुझ पे बड़ा अभिमान है, इसलिए तो हर वक्त कहते रहती है, मेरी गोपी बहू, मेरी गोपी बहू। नानी जी, नानी जी, ये लीजिए, मैं भी आपके लिए एक भेंट लाई हूँ। ये क्या, कागज का बक्सा तो तोहफे में लेके आई जिगर की बहू? नहीं नहीं नानी जी, आप इसे खोल के तो देखिए। एक मिनट, मैं ही खोल देती हूँ। ये देखिए। ये क्या है? नानी जी, ये कॉफी मग है, इसमें आप कॉफी पी सकती हैं। लेकिन मैं तो कॉफी पीती नहीं। तो कोई बात नहीं, आप इसमें दूध पी सकती हैं। लेकिन ये कितना भारी है, इसमें दूध चाय कॉफी डालेंगे तो और भी भारी हो जाएगा ना बाबा दा। मुझे तो मेरा पीतल का ग्लास ही अच्छा है। तू कॉफी पीती है ना, ले तू ही रख। नहीं नानी जी, आप ये देखिए, इस पे एक बहुत खूबसूरत सा संदेश भी लिखा हुआ है, आई लव यू। मतलब मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। नानी जी, ये कप आपको हमेशा मेरा आपके प्रति प्रेम आदर मेरी याद दिलाता रहेगा। देखिए, अगर आपको इसमें चाय दूध कॉफी कुछ नहीं पीना है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे तोहफे के तौर पे एक सजावट की चीज बना के रख सकते हैं। ना भाई, तू कॉफी पीती है ना, तू ही रख इसे, ले। अरे, आंसू थाई गए हो, कितना प्यार से ले आई थी और मेरे हाथ से टूट गया। नहीं नानी जी, वो
कोई बात नहीं, वो कप वैसे भी बहुत भारी था। चल अब जो हुआ सो हुआ। जिगर की बहू, अब तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी।